नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको रेडियो में मीडियम शॉर्ट और एफएम और टीवी वन और टीवी टू बैंड रहते हैं, कुल मिलाकर के 5 बैंड रहते हैं और किसी किसी में 4 बैंड रहते हैं। तो ये रामसंस का है, इसमें 4 बैंड है तो इसकी बैंड भी परिवर्तन रहती है, ये 4 बैंड की मात्र है। तो आज बात करेंगे ये जो ऑसिलेटर कॉइल लगा हुआ है ये किस हिसाब से बनाया हुआ है और कैसे काम करता है। तो मेरे पास बहुत ही पुराना चीज रखा हुआ था तो सोचा इसका मैं एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी पहले, अब दिक्कत नहीं होगी। जो इसकी जानकारी आपको अगर रहेगी तो किसी भी तरह का रेडियो की ट्यूनिंग आप कर सकते हैं, और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप किसी भी तरह का रेडियो रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी होता है कि ऑसिलेटर कॉइल है क्या। तो इनमें दो ऑसिलेटर कॉइल आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो है ये भी ऑसिलेटर कॉइल है। तो ये दोनों का सेम ही बनावटी है और इनका कुछ अलग है। तो इन दोनों में से ये जो है ये शॉर्ट वेव का एंटीना कॉइल है और ये जो है ऑसिलेटर कॉइल और ये जो है मीडियम वेव का ऑसिलेटर कॉइल है। तो दोनों का फंक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग काम करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों शॉर्ट वेव के हैं और ये मीडियम वेव के हैं। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट वेव की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये शॉर्ट वेव यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे एंटीना कॉइल यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ भी ग्राउंड है और यहाँ भी ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ का जो है यहाँ पे बेनिफिट पे यहाँ आई हुई है ये एंटीना कॉइल की है और यहाँ पे जो है ऑसिलेटर कॉइल की जो है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ एक ग्राउंड है और यहाँ से यहाँ एक गेन कैपेसिटर जो लगा हुआ है तो उसकी ये पॉइंट पे आई हुई है। यहाँ पे आपको क्लिक की आवाज़ मिलेगी जैसे ही आप इन बैंड स्विच को जो है मीडियम वेव में इसको इन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी पेचकस हो या चिमटी हो या यहाँ इसे हाथ रखने से यहाँ क्या होगा कि आवाज़ में आपको कम और ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे। जैसे हाथ आपने रखा तो स्टेशन की आवाज़ जो है वो आपको काफ़ी सुनाई देंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एक कॉइल यहाँ पे लपटी हुई है, आप देख सकते हैं लपटी हुई है। अगर आप यहाँ से यहाँ सीधा ही जम्पर मार देंगे तो ये काम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से रहता है वो मैं आपको इसमें बतलाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक यहाँ पे कनेक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन है और यहाँ एक ग्राउंड पे कनेक्शन है। आप अच्छी तरह से समझ ले, यहाँ ग्राउंड है और यहाँ पे जो है ये गेन की यहाँ पे कनेक्शन है और यहाँ से कनेक्शन सीधा ही बेंच स्विच पे गया हुआ है जिसको कनेक्शन को टच करने के लिए है। तो यहाँ से तो मैं यहाँ साफ करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस हिसाब से यहाँ का एक एक करके यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट इसको लपेटा हुआ है और लपेटा हुआ है और ऊपर से यहाँ पे जो है इस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से लपेटा हुआ है और इसके अंदर ये मैग्नेटिक मैग्नेट, इसको समझ ले ये मैग्नेट है और यहाँ पे जो है इसको घुमा करके जो है यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है जो कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इसको इस तरीके से घुमा करके जितनी पर आवाज़ क्लियर मिलती है उतनी पे इसको रखा जाता है और स्टेशन की रेंज जो है
वो फिक्स करके यहाँ पे ट्यूनिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आकाशवाणी पटना या कोई भी दरभंगा का स्टेशन जितना फ्रीक्वेंसी है उसमें बरस करके यहाँ पे एडजस्ट की जाती है, तो उस हिसाब से ये काम करता है। तो ये सीधा ही कनेक्शन करने से नहीं होता, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है और इसके अंदर मैग्नेट का जितने पे फिक्स रखा उतनी कम और ज़्यादा साउंड आपको क्लियर सुनाई देते हैं, तो उस हिसाब से ये एडजस्टमेंट का काम करता है। इसी तरह इनमें भी है और इनमें भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।